Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Mohabbat karne wale kam na hoge teri mehfil mein lekin hum na hoge Mohabbat karne wale kam na hoge aur ha DJ book kar lena sare functions ke liye क्योंकि जब म्यूजिक रुकता है ना तो मेरा सारा फ्लो टूट जाता है। अगर मैं इस ढोलकी को छोड़कर भाग जाऊं तो कैश नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे चेक लिख के दें। और अभी वैसे भी बैंक टाइमिंग तो है ना, मैं चेक कैश करा लूंगी प्लीज। भाई तुम रियली यू आर इम्पॉसिबल। वैसे आज सारा मैम बहुत अच्छी लग रही थी, पिंक कलर पहनती ना तो बहुत प्यारी लगती, मेरा फेवरेट कलर है पिंक। क्यों नहीं, तुम तो हो ही पिंकी। अमजद भाई मुझसे ना ज्यादा फ्री होने की कोशिश ना किया करो, मैं कोई गपशप मारने वाली चीज नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। मैं कुछ साड़ियां वगैरह लेकर आई थी जारा के लिए, आपने दवाई खा ली? मम्मी पता है आज जुनेद ने ना डैडी के लिए हेयरिंग एड भी मंगवा लिया है। फ्लोरा बता रही थी कि उनको सुनने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा मम्मी आपके डेंटिस्ट से बात हुई थी, मैं आपके साथ तो जाना चाहती हूँ लेकिन फ्लोरा को भेजना पड़ेगा। दरअसल आप समझ सकती हैं कि जारा के ससुराल वालों ने बुलाया है तो वहां जाना भी जरूरी है, आखिर घर की ये सारी चीजें हम सबको मिलकर ही संभालनी है। तो आई एम श्योर आप फ्लोरा के साथ कंफर्टेबली मैनेज कर लेंगी। अच्छा मम्मी आज जब शॉपिंग पर गई तो आपके लिए कुछ साड़ियां लेकर आई थी, प्लीज देख लीजिएगा, आपके टेस्ट के हिसाब से ही लेकर आई। हम इतना तकल्लुफ किया? नहीं मम्मी, वैसे भी जुनेद ने तो हमें खुद इजाजत दी थी कि जो कुछ खरीदना है खरीद ले। आप जानती है ना कि आगे रमजान शुरू हो जाएगा तो फिर वक्त ही नहीं मिलेगा किसी चीज का। रमजान कब आ रहा है? रमजान बस चंद रोज में। मेरा नाम या तो मोहम्मद इकबाल है या बाला, बाले मत कहा करें। बाले तुम तो रहने ही दो। याद है तुमने कैसे मेरे कपड़े सिए थे शादी पे? जब मैंने तस्वीरें देखी ना तो मैं तो पागल ही होने वाली हो गई थी, कितनी मैं मोटी लग रही थी, सारी पिक्चर्स मुझे डिलीट करनी पड़ी। सही से लिया करो, देखो टाइट का प्रॉब्लम नहीं होता, लूज का प्रॉब्लम होता है बाले, लूज का। अच्छा ये सब छोड़ें, ये बताएं गला कितना रखना है? क्या हो गया तुम्हें बाले, रमजान अभी आए नहीं और अभी से तुम चीजें भूलने लग गए हो। रमजान के जोड़े हैं ऑब्वियसली, गले तो तंग होंगे ना, बस छोटा ही रखो। और जारा की शादी के जो कपड़े सिल रहे हैं ना प्लीज उनके गड़े बस तुम 8 से 8.5 इंच रखना। ओके यू गेट इट? 8.5 बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा? क्या मतलब ज्यादा नहीं हो जाएगा? ऑफ कोर्स मैंने ज्वेलरी भी तो पहन नहीं है, मेरी ज्वेलरी कैसे नजर आएगी अगर मेरे गले तंग होंगे तो? बस जैसे तुम्हें कहा है ना तुम वैसे करो। अच्छा ये बताइए कितने सूट है रमजान के? Obviously, जितने रोजे हैं उतने ही जोड़े होंगे और बाकी के जो इवेंट्स हैं और डिनर्स वगैरह हैं उसमें मैं साड़ियां पहन लूंगी, तो मेरे ब्लाउजेस जो है ना वो प्लीज रेडी कर देना। ओके काम बहुत ज्यादा हो गया है, मुझे अकेले से नहीं होता। क्यों हर रमजान पे इतना ही काम नहीं होता क्या? हर रमजान में जारा बीबी की शादी भी तो नहीं होती ना। सो व्हाट बाले, तुम कोई हेल्पर रख लो, कारीगर रख लो, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरे कपड़े ना टाइम पे चाहिए। अगर हेल्पर या कारीगर रखना होता तो खुद की दुकान ना खोल लेता। एक काम क्यों ना करें, तुम पिंकी को अपने साथ बिठा लिया करो, ये तुम्हारी हेल्प भी कर देगी। क्यों पिंकी, ठीक है? नहीं जी
इससे तो मैं अकेला ही अच्छा हूँ। अच्छा एक सेकंड, फोन है, फोन है। हेलो सादिया, आई एम गुड। तुम्हें पता है रमजान आ गया और मैं शॉपिंग में बिजी हुई हुई हूँ, रमजान में तो टाइम ही नहीं मिलता है कुछ करने का। हाँ ठीक है, ऑल गुड, थैंक यू वेरी मच। एक सेकंड होल्ड करना प्लीज। बाले प्लीज, तुम्हें याद है ना मैंने तुम्हें क्या बताया था किस तरह से कपड़े सीने हैं? जी जी, यहाँ बहुत शोर है, मैं जरा चलती हूँ, और प्लीज अच्छे से कपड़े सीना। हाँ सादिया अब बताओ इटली में कैसा रहा? शूट बेबी, क्या तुम देख रही हो ये? तुम्हें पता है सिल्क मेरी बेस्ट फ्रेंड है। उस दिन जो मैंने शर्ट पहनी थी ना, सिल्क ने मुझे गिफ्ट की थी और मुझसे पेमेंट भी नहीं लेती। मुझे कहती है जीश गोल्डन माय बेस्ट फ्रेंड। और हाँ, शाम को जब तुम रेडी होगी ना, स्मोकी आईज बनाना, आजकल यही चल रही है। सीरियसली जीश, बहुत ओवर नहीं लगेगा? अरे नहीं ओवर लगता ना। और हाँ, माइयों वाला डांस तुम्हें याद है जो तुम्हें मैंने स्टेप कराए थे? ये देखो याला, अखियां उड़ीक दिया दिलवा जमारदा, आजा परदेसिया वासाई प्यारदा, आजा तेनु अखियां उड़ीक दिया। स्टेप याद है नहीं वाला? बिल्कुल याद है, तुम फिक्र नहीं करो। उफ अल्लाह बेबी, कहां ओवर लगेगा, इतने अच्छे स्टेप हैं। और हाँ, तुम ब्राउन लेंस लगाना आईज में, तुम पे बहुत सूट करते हैं, तुम्हारी पिक बहुत अच्छी आएगी। नहीं जीश, बहुत ओवर हो जाएगा, मैं नहीं करने वाली ऐसा कुछ। जीश गोल्डन कभी गलत मशवरे नहीं देता। और तुम्हारी सिस्टर की शादी है, तुम एक ही सिस्टर हो उसकी, तुम्हें पता है शादी में कितने रिश्ते आते हैं? तुम्हें मेरे रिश्तों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, समझ आई? उसके लिए मामा एंड बाबा पहुंचूंगा, मैं ही देखूंगा। तुम्हें तो समझाने ही देखो, जाओ देखो तुम। बस मम्मी ने रख ली, देखी तक नहीं। पता नहीं क्यों मम्मी हमेशा से मेरे दिए हुए गिफ्ट्स को अप्रिशिएट ही नहीं करती। तारीफ करना तो बहुत दूर की बात है। तुम जानती हो रूखी, मम्मी को डिमेंशिया हो रहा है, भूलने लगी हैं, कंफ्यूज रहती हैं। जब ठीक ठाक थी तब कौन सा तारीफ कर देती थी किसी चीज की। तुम्हें किसने कहा था उनके लिए प्रेजेंट लाओ? ऑलरेडी उनके पास इतनी साड़ियां हैं। जुनैद आप अच्छी तरह जानते हैं मेरी आदत को, मैं शुरू से ऐसी ही हूं। मैं जानता हूं। मैंने आतिफ से कह दिया कि बस फॉरेन सीट करवाए और पाकिस्तान आ जाए। बहुत शोर मचा रखा था उस लड़के ने कि आपने डैड से बोलकर मेरी ट्रिप कैंसिल करवा दी, मगर मैंने उससे यही कहा कि तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए कि रमजान तो हमारे साथ गुजार लो। कह रहा था मम्मी पूरी डिक्टेटर हो गई है। मैंने कह दिया हमारा हौसला देखो कैसे गुजारा कर रहे हैं। आप दोनों बाप बेटे हमेशा मिल जाते, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? मुझे भी आपकी तवज्जो की जरूरत है जुनैद, आपका काम कब खत्म होगा? बस यार, बस थोड़ी देर। कितनी देर और जुनैद, हो गया बस बहुत वक्त। मुझे आपका वक्त चाहिए, मैं आपकी बहन की तरह नहीं हूँ जो सारा दिन शॉपिंग मॉल्स में गुजार दे और घर की तरफ कोई तवज्जो ही ना उसकी। मैं कामरान की तरह लकी थोड़ी हूँ। अच्छा चलो चेंज कर लो, आज दिन बाहर करते हैं। और जो डेंटिस्ट की तरफ लेकर जाना है मम्मी को? ओह, मैं फ्लोरा को कह दूंगा, वो साथ चली जाएगी। वैसे भी मम्मी डैडी को कोई फर्क नहीं पड़ता, यू नो इट्स अ टेरिबल फीलिंग जब आपके माँ बाप आपको पहचाने ही नहीं, बहुत तकलीफ होती है। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ जुनैद, लेकिन एक बात है, यू हैव प्रूवन टू बी अ वंडरफुल सन। आपने जिस तरह अपने वालदैन की इस उम्र में भी खिदमत की है, कौन करता आजकल के जमाने में? एक तुम ही हो जो मुझे अप्रिशिएट करती हो। चलो चेंज कर लो,
आज हम इटालियन फूड खाते हैं। चल। ओके। मैडम, मैं आपके साथ जाऊंगी डॉक्टर के पास। आपका डॉक्टर कितना अच्छा है ना, आपको पेन भी नहीं होगा। नहीं, मैं जुनैद का इंतजार कर रही हूँ, वो ऑफिस से आएगा ना, फिर जाऊंगी मैं। मैडम, जुनैद सर बहुत बिजी हैं, जब तक वो आएंगे डॉक्टर चला जाएगा। फ्लोरा, मैंने कह दिया है ना, जुनैद आएगा तो मैं उसके साथ जाऊंगी। हाँ बस। ओके मैडम, आप ये शूज पहन लें। नो, जुनैद आएगा तब पहनूंगी। लुक मैडम, अगर आज भी आप डॉक्टर के पास नहीं गई तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी और आपका दांत ऐसे ही दुखता रहेगा। मैडम, आपने कल भी ठीक से नहीं खाया था, फिर आप मेडिसिन कैसे लेंगी, फिर आपको नींद नहीं आएगी, आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। नहीं, मैं इंतजार करूंगी जुनैद का, जब वो मेरा हाथ पकड़ लेता है ना, फिर मुझे दर्द नहीं होता। मैडम, आप मेरा हाथ पकड़ना, फिर आपको दर्द नहीं होगा। ट्राई माई हैंड फ्लोरा। मैं जुनैद के साथ ही जाऊंगी। मैडम, जुनैद सर नहीं आएंगे। क्यों, रमजान आ गया क्या? नो मैडम। फिर तो वो जरूर आएगा और मैं उसी के साथ जाऊंगी। फ्लोरा का फोन था। यार मम्मी भी बच्चों जैसी जिद करती हैं कभी कभी। अब जिद कर रही हैं कि डेंटिस्ट के पास जुनैद के साथ जाऊंगी। अजीब हरकत है, क्या हो गया मम्मी को? आपके मामले में मम्मी हमेशा से ही ऐसे पोजेसिव रही है। बता दिया होगा फ्लोरा ने कि आप मेरे साथ डिनर पर आए तो ये बात उनसे बर्दाश्त कब होनी थी। अरे नहीं भाई, मैंने फ्लोरा से कहा था कि उन्हें कहना कि मैं ऑफिस में हूँ। आप आज तक कितना डरते हैं ना मम्मी से, ये तक नहीं बता सकते कि आप अपनी बीवी के साथ खाने पर बाहर आए। डोंट बी सिली रुखी, मैंने उन्हें इसलिए नहीं बताया कि कहेंगी मेरे साथ चलो डेंटिस्ट के। खैर, जिद तो फिर भी कर ली ना। बहरहाल, फिर हम यहाँ बैठे क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में वापस चलना चाहिए। यार रुकी, अब तुम भी मम्मी की तरह अनरीजनेबल ना हो, भी खाना खाओ। वैसे भी हम वापस जाएंगे जब तक तो डेंटिस्ट उठ जाएगा। अब देखो कितने दिनों बाद हम बाहर निकले, तुम खाना खाओ, खामखा अपना शाम मत खराब करो। पता नहीं क्यों जुनैद, लेकिन मुझे ये बात कभी समझ में नहीं आएगी। जब भी कभी जिंदगी में आप और मैं थोड़ा सा भी खुश होने लगते हैं तो मम्मी हमारे बीच आ खड़ी होती है, और ये बात सारी जिंदगी मेरे साथ होती है। मैं अब ये बात समझ गई हूँ कि मैं कभी अच्छी बहू साबित ही नहीं हो सकी शायद। अरे रूखी, मुझे पता है तुम बहुत अच्छी बहू हो। अब देखो, जब मैं मम्मी को बीच में नहीं ला रहा तो तुम क्यों ला रही हो? पता नहीं क्यों, लेकिन कभी कभी मैं खुद ही बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि शायद मेरी वजह से। बस ना रुखी भाई, तुम्हें पता है ना मम्मी बच्चों की तरह जिद करती है, और तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? चलो खाना खाएं। पहले आप लीजिए। मेरी भी दो बेटियां हैं, मैं तो दोनों बच्चियों से उतना ही प्यार करती हूँ। पता नहीं मम्मी कैसे अपने बेटों में इतना फर्क कर लेती हैं। इतना मैंने कहा आज मम्मी से कि मम्मी डेंटिस्ट के यहाँ आप जुबैर के साथ चली जाएं, लेकिन नहीं, ऐसी जिद, कह रही कि जाऊंगी तो सिर्फ जुनैद के साथ। बहुत प्यार करती है मम्मी जुनैद भाई से, हालांकि आप भी उतना ही ख्याल रखते हैं। सोफी, मैं तो वैसे ही आज बहुत बिजी था ऑफिस में, अच्छा हुआ कि जुनैद भाई उन्हें डेंटिस्ट के पास ले गए। वैसे भी मामा इतना एंबैरस करती हैं ना डेंटिस्ट के पास जाकर, बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव करती हैं, ऐसे करती हैं जैसे
जैसे पहले कभी किसी डॉक्टर के सामने गए ही ना हो। उन्हें हैंडल करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अच्छा हुआ जुनैद भाई ने उन्हें हैंडल कर लिया। इट्स गुड फॉर हर। मैं और आप तो वैसे भी उन्हें हैंडल नहीं कर सकते। वो हमें ट्रस्ट ही कहाँ करती है। तारीफें भी सिर्फ जुनैद भाई की होती है। लोग तो यही समझते हैं कि हम उनका ख्याल ही नहीं रखते। तुम्हें लोगों की बड़ी फिक्र होती है। अरे लोगों को मारो गोली, हमारा जमीर तो मुतमईन है ना। हम अपने माँ बाप के तमाम फराइज निभाते हैं, उनके तमाम हकूक का ख्याल रखते हैं। We should be satisfied. That's it. कभी कभी तो मुझे आप पे बहुत तरस आता है। मम्मी ने आपको इतना प्यार किया ही नहीं जितना अपने बड़े बेटे को। मैं तो जारा को भी उतना ही प्यार करती हूँ और नादिया को भी। I'm very lucky. तुम बहुत अच्छी बीवी भी हो और बहुत अच्छी माँ भी। तुमने दोनों बेटियों का बहुत ख्याल रखा। तुमने अपनी बच्चियों की कितनी अच्छी तरबियत की है। आई एम प्राउड ऑफ यू। तभी तो आपकी बहन ने अपने देवर का रिश्ता लिया है सारा के लिए। लाखों में एक है मेरी बेटी। हाँ ये तो है। हाशिम बहुत अच्छा लड़का है, मुझे बहुत पसंद। वो बिल्कुल ऐसा ही है जैसा मैं अपनी बेटी के लिए चाहता था। He is a perfect match for our daughter. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह नजरे बद से बचाए। मैं सोच रही हूँ कल यतीम खाने में खैरात करा दूँ। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, रेगुलर सदका होना चाहिए। ओके। मैंने कहा था फ्लोरा से कि जुनैद जरूर आएगा, मगर मेरी बातें नहीं मानती थी वो। बहुत बेवकूफ है ये फ्लोरा। मुझे बेवकूफ लोग बिल्कुल नहीं पसंद जुनैद, और ये फ्लोरा तो बिल्कुल पागल है। तुम ऐसा करो, फ्लोरा को चेंज कर दो, दूसरी नर्स ले आते हैं। मम्मी ये पेन किलर्स खाइए ताकि आपके दांत में दर्द ना हो। अरे इससे मुझे एसिडिटी हो जाती है। मम्मी इसलिए कि आपने कुछ खाया पिया जो नहीं है। कैसे खाती, मेरे दांत में इतना दर्द जो था। तभी तो डेंटिस्ट के पास जाना था। मम्मी जरा कॉपरेट किया करें, आप ही बताइए मैं क्या क्या करूं। कुछ तो ख्याल करें आप मेरा। ले ये दवाई खाए। अब आप सो जाइए, सुबह फ्लोरा के साथ आपने डेंटिस्ट के पास जाना है। मम्मी आप बच्ची तो नहीं है जिस तरह की बातें करती हैं। अच्छा गुड नाइट। जुनैद साहब, हम जकीउद्दीन शेख। ये जो हमारे किरायेदार हैं नीचे, वो बहुत शोर मचाते हैं, खास तौर पे रात में। हमारी एक मौजूद मेहमान यहाँ आई हुई हैं, जो हमारे यहाँ ठहरी हुई हैं, वो रात भर सो नहीं सकती। आप मेहरबानी से उनको मना कीजिए, सख्ती से मना कीजिए, वरना मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। ठीक है डैडी, मैं मना करता हूँ। खामखा ड्रामा करती हैं सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए, जैसे बच्चे नहीं अटेंशन गेन करने के लिए ड्रामा करते हैं और खामखा रोते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वैसे। तुम किसी और से मोहब्बत करती हो, और जिससे तुम मोहब्बत करती हो ना, वो एक मामूली से क्लर्क का बेटा जिसकी तीन कुमारी बहनें और ऑलमोस्ट एक अंधी माँ है ना। डॉक्टर के पास गई, उसने मेरा दांत निकाल दिया। जुनैद होता ना मेरे साथ, बिल्कुल मेरे दांत ना निकालता। ओह जुनैद।